तो हमने परचेस किया भाई W20 बोल्ट ऑडियो की ओर से, एंड ये मेरे को 900 रुपए मिले हैं। आपको कैसे मिलेंगे? आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेस्ट डील एंड ऑफर, के साथ साथ लॉन्च प्राइस भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट लिंक भी नीचे दिया गया, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो फीचर की बात करें यहाँ पे, तो आपको गेमिंग भी यहाँ पे मिलती है, कॉलिंग के लिए एक डिसेंट माइक्रोफोन है, IPX5 रेटेड है, 13 mm के साउंड ड्राइवर्स है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये मेरे पास मेड इन इंडिया यूनिट है, W20 आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट बॉक्स के ऊपर, एंड 3 से 4 कलर यहाँ पे अवेलेबल है। कंटेंट पैकेजिंग की बात करें, यहाँ पे आपको 3 पेपर वर्क मिलते हैं। एक तो आपको 100 rupees का वाउचर मिलता है स्मार्ट वॉच अगर परचेज करेंगे, उसके साथ आपको मिलते हैं 3 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी एंड एक यूजर मैनुअल। एसेसरीज में मिलेगा एक टाइप सी वाली चार्जिंग केबल, A2C केबल है ये, एंड 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एयरटैप्स जो आप अपने कान के क्षेत्र के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें मेन प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा रबरी वाला है, एंड मैट फिनिश आपको मिल जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करेंगे बोल्ट की ब्रांडिंग, उसके नीचे 4 LED इंडिकेटर है जो कि 25% बैटरी को इंडिकेट करता है, 1 इंडिकेटर। बोर्ड में मिलता है टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट। तो हिंज सेक्शन कई बार दिक्कत होती है, बट इवन दो ये बजट ओरिएंटेड ईयरफोन्स है, यहाँ पे हिंज काफी स्ट्रॉन्ग है, एक जगह पे लॉक हो जाता है एंड आपको एक बेटर फीलिंग यहाँ पे देने वाला। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी इंप्रूव है। बात करें फोन यार, तो स्टैम्प शेप में आपको मिलते हैं, एंड यहाँ पे ग्लोसी फिनिश है, बोल्ट की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, एंड इन ईयर डिजाइन है, सिलिकॉन के एयरटैप्स है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक कंडीशन आपको मिल जाती है। बात करें इन ईयर फिटिंग की, तो आप इसको लाइक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एंड एक ठीक ठाक सी यहाँ पे आपको ईयर फिटिंग मिल जाती है, नो इश्यूज। आप इसको रनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, अगर लेट की म्यूजिक वगैरह सुनना चाहें तो एक साइड आप लेट भी सकते हैं, कंफर्टेबल है। 3 से 4 घंटा आप मैक्सिमम इसको यूज करेंगे, एंड बैटरी को बचाने के लिए वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। एंड कई लोग वरिड होते हैं भाई क्या मोटर इस पे आप स्प्लैश कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी आएगा दिक्कत होगी। नहीं भाई, IPX5 रेटेड होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, बट दीज आर IPX5 रेटेड। कनेक्टिविटी के लिए बनता है Bluetooth 5.3 वर्जन, एंड कोई भी फास्ट पेयरिंग नहीं है, आपको मैनुअली इसको पेयर करना पड़ेगा। लिड ओपन करने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको ईयरफोन्स बाहर निकालने पड़ेंगे भाई, तो ये आपको करना पड़ेगा इनको कनेक्ट करने के लिए। एंड एक बार पेयर हो गए भाई, तो उसके बाद रिकनेक्टिविटी या दोबारा से आप इनको यूज करना चाहते हैं तो वो काफी क्विकली होता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, और 10 से 15 मिनट की आपको इजिली रेंज यहाँ पे मिल जाती है। साउंड क्वालिटी के लिहाज से आप मिलता है 13 mm के साउंड ड्राइवर्स हैं, 13 mm। यार मैं बोल्ट ऑडियो को एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा भाई, पहला तो ब्लूटूथ नेम फिक्स कर लो, प्रोडक्ट के वाइज वहाँ पे नेम होना चाहिए। सेकंड चीज, जो बेस आप देते हो, बेस की जगह थोड़ा सा क्लियरिटी आप इंप्रूव करोगे ना तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये इनका जो मेन फोकस है वो बेस साइड है, क्लियरिटी या बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वो आप ना के बराबर सुन पाओगे, उस पर कहीं भी फोकस नहीं किया गया। तो अगर आप क्लियर बेस लवर हैं देन आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम लेवल ओवरऑल ठीक ठाक है, क्लैरिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो सारे कंट्रोल्स बोल्ट अपने प्रोडक्ट में देता है, तो आप बिना इस एप्लीकेशन के सपोर्ट के यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे म्यूजिक कंट्रोल हो, वॉल्यूम हो, या फिर आपका वॉइस असिस्टेंट हो, कॉल एक्सेप्ट निकलाइन, सब कुछ आप अपने ईयरफोन पे परफॉर्म कर सकते हैं, एंड इजी है, रिस्पॉन्सिव, आपको टच कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था भाई 45 ms की लेटेंसी है फॉर गेमिंग, एंड कुछ ऐसा ही आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेम में। सेपरेशन उतने क्लियर नहीं है, बिकॉज यार यहाँ पे वॉइस सेपरेशन उतनी अच्छी नहीं आती, बट हाँ लेटेंसी वाइज ओवरऑल आपको अच्छा मिलता है। तो अगर सेपरेशन तो अच्छे नहीं है तो गेमिंग में परफेक्ट नहीं होंगे, बट हाँ आपका काम चल जाएगा बजट में देखने तो ये ठीक ठाक रहेंगे। बात करें आउटडोर कॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो अपने आउटडोर मैच का माइक्रोफोन टेस्ट किया, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल रही थी, क्वाड माइक्रोफोन सेटअप नहीं है बट स्टिल वॉइस काफी अच्छी थी। आप इंडोर में तो ऑब्वियसली बिना कोई दिक्कत के बात कर सकते हैं, आउटडोर में परफॉर्मेंस ओवरऑल आपको ठीक ठाक मिल जाती है, एक्सपीरियंस यहाँ रहा। तो गाइस अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ बोल्ट ऑडियो की ओर से W20, एंड ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किए 899 rupees में, मतलब 1000 rupees के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपको डुअल माइक्रोफोन सेटअप मिलता है एंड डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं फॉर कॉलिंग, तो कुछ इस टाइप की कॉलिंग परफॉर्मेंस रहने वाली है। अगर आप थोड़ा सा नॉइस एनवायरमेंट में, इंडोर तो ऑब्वियसली आपको क्लियर वॉइस मिलती है, बट क्या आउटडोर में कूलिंग अच्छी है। अगर यहाँ पे मैं बैटरी बैकअप की भाई, तो 32 hours का बैटरी बैकअप है, इंडिविजुअल चार्जिंग में आपको 7-8 घंटा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, एंड अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो केस को चार्ज करने में 1.5 घंटा, एंड ईयरफोन्स को चार्ज करने में जस्ट 45 मिनट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ओवरऑल यार आप 1 हफ्ते के अराउंड इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड काफी क्विक चार्जिंग है, एक डिसेंट बैटरी बैकअप भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर कंक्लूजन वाइज मैं बात करूँ, प्रोडक्ट की लुक डिजाइन ओवरऑल अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, साउंड क्वालिटी के लिहाज से बेस अच्छा मिलेगा, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती, गेमिंग के लिए ओवरऑल ओके, कूलिंग भी आपको
ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है। बैटरी बैकअप भी अगेन अबो एवरेज है। तो अगर आप 1000 रुपीज के अराउंड एयरफोन्स खोज रहे हैं तो मे बी ये आपकी लिस्ट में आ सकते हैं, अगर आपको बेस चाहिए तो। क्लैरिटी चाहिए तो बिल्कुल मत जाना भाई, लिंक नीचे है, साथ साथ टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।